Hey guys, welcome back to another video. So, आज की वीडियो में मैं आपको इस मार्कर सेट का रिव्यू दूंगी. ये मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेज किया है. इसकी प्राइस 720 है एंड इसमें 36 शेड्स है. जो बेसिक बेसिक कलर होने चाहिए वो सारे इसमें है. सो आज हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे मार्कर एंड पेंसिल दोनों की कॉम्बिनेशन से. बिकॉज मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये मार्कर कलर पेंसिल के साथ अच्छे से ऑफ होते हैं या नहीं. सो डिस्प्ले पिक पे जो इमेज दिख रही है वो वाला मैं ड्रॉ करूँगी एंड पूरा ड्रॉ करने के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये अच्छे से पेंसिल के साथ मिक्स होते हैं या नहीं. सो पहले स्केच स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसका रिव्यू. Thank you.
से हुआ इसमें एंड पेंसिल भी अच्छे से मिक्स हो रही थी। बस एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप स्किन टोन ड्रॉ कर रहे हो या कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हो वो भी एकदम हाइपर रियलिस्टिक, तो वहाँ पे ये यूजफुल नहीं है, अच्छा नहीं होगा जो भी आप स्किन टोन दोगे वो, क्योंकि कलर पेंसिल्स इतना भी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। अगर कार्टून ड्राइंग है या फिर को एनिमे ड्राइंग जहाँ पे इतनी डिटेलिंग की नीड नहीं होती है, बस दो लेयर्स में पूरा काम हो जाता है। ये स्केच बहुत जल्दी जल्दी बना दिया मैंने, एक घंटे में पूरा बन गया था। सो एनिमे ड्राइंग एंड कार्टून ड्राइंग के लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर आप किसी पोर्ट्रेट पे बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो वहाँ पे भी काफ़ी यूजफुल है। कलर काफ़ी अच्छे दिखते हैं इस वाले मार्कर के। सो जितनी प्राइस है उसके हिसाब से अच्छी क्वालिटी का है ब्रांड। सो गाइस चैनल पे बने रहना, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।